हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपके सब्सक्राइब कर देने से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप हमसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, आप हमारे दिल में जगह बना लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो और जब भी क्लासेस आती रहेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, मैं एक 11वीं 12वीं के गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम की यह सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप इस सीरीज को हमेशा देखें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसमें 11वीं और 12वीं के गणित का एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद सभी के प्रश्न मेथड्स तरीकों के साथ कराए जाएंगे। उसके बाद हमारे सालों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद उससे मिले निष्कर्ष से कुछ शॉर्ट ट्रिक अर्थात ब्रह्मास्त्र बनाए गए हैं, वो भी काजू बादाम की तरह सीधे आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज है, इसमें आपको 11वीं 12वीं के लिए तो बहुत उपयोगी है। बोर्ड परीक्षा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं बात करूं, भारत के प्रतिष्ठित जो कॉलेज होते हैं, संस्थान होते हैं, जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, जैसे JEE मेन और JEE एडवांस, उसके लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सीरीज का होने वाला है। इसके साथ साथ जिसका लक्ष्य NDA में जाने का है, जो 12वीं के बाद अफसर बनना चाहता है डिफेंस में, उसके लिए भी NDA में 300 मार्क्स का पेपर गणित का होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा नेवी, NDA, एयरफोर्स, तीनों फोर्स में भी इसका बहुत योगदान है। तो इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखें। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर गणित विषय में, या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो 11वीं और 12वीं का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न शॉर्ट ट्रिकों के साथ करवाने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी, फिर तरीके, और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक बनाई जाएगी। तो दोस्तों, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत इसका योगदान है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूं गणित में, तो 55 क्वेश्चन 110 नंबर के पूछे जाएंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो उसमें 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे जाएंगे। NDA की बात करूं तो उसमें 300 मार्क्स का एक अलग से पेपर गणित का होगा, और 11वीं 12वीं बोर्ड में तो उपयोगी है। इसके साथ साथ यदि मैं JEE मेन एडवांस की बात करूं तो 33% वेटेज गणित का होगा, इसी सेगमेंट का होगा। तो दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत उपयोगी है। अब अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई सबको, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं अब आपको तब तक लेकर चलता हूँ अपने डिजिटल सेटअप पर, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो चलते हैं डिजिटल सेटअप पर। दोस्तों, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन अंग्रेजी में कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। दो प्रकार के फंक्शन यदि स्पष्ट अस्पष्ट के रूप में बात करूं तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट, एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट। होता क्या है, थोड़ा उसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम किसी भी फलन को y बराबर fx के रूप में लिख पाए तो वो स्पष्ट फलन होता है। स्पष्ट फलन होता है। और यदि हम y बराबर fx के रूप में नहीं लिख पाए, वो अस्पष्ट फलन होता है। अर्थात उसमें जो y के और x के कंपोनेंट होते हैं, y और x के जो पद होते हैं, उनको अपन अलग अलग नहीं कर पाते हैं
तो उनको स्पष्ट फलन नहीं कहा जा सकता, वो फलन अस्पष्ट फलन कहा जाता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर एफ वाई के रूप में, भाई या तो y बराबर x के पदों में लिख दे या x बराबर y के पदों में लिख दे, उसे स्पष्ट फलन कहा जाता है। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं उसे अस्पष्ट फलन कह दे, यदि x को y में लिख दे तो भी उसे भी स्पष्ट फलन कहा जाता है, और यदि ऐसा नहीं कर पाए उन्हें अस्पष्ट अर्थात इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब बात करें अपन को यहाँ पर अस्पष्ट फलनों का अवकलन सीखना है, अपन को यहाँ पर अस्पष्ट फलनों का अवकलन सीखना है। जब भी बात करें अपन अवकलन की, तो अवकलन के अंदर चाहे स्पष्ट फलन हो चाहे अस्पष्ट फलन हो, उसको अस्पष्ट फलन के तरीके से कर सकते हैं। फिर सुन लो, मैं कह रहा हूं कि स्पष्ट फलनों का अवकलन अलग तरीके से किया जाता है और अस्पष्ट का अलग तरीके से, लेकिन अस्पष्ट की तरह स्पष्ट का भी कर सकते हैं। यानी मैं अस्पष्ट फलनों का अवकलन सीख लूं तो वो दोनों में काम आ जाएगा, स्पष्ट फलन में भी काम आ जाएगा, अस्पष्ट फलन में भी काम आ जाएगा। परंतु यदि मैं स्पष्ट फलन का अवकलन जानता हूं तो उससे अस्पष्ट का नहीं कर सकता। इसलिए आप तो फलन पहचान पा रहे हो तो ठीक है, आज मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, बहुत से एग्जाम्पल करवा रहा हूँ दोस्तों। मैं कह रहा हूँ यदि आप पहचान पा रहे हो तो ठीक है, नहीं पहचान पा रहे हो तो अस्पष्ट की तरह अवकलन कर देंगे, तो जो उत्तर आएगा वो आपका वही आएगा जो आपको चाहिए होगा। जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करना यहाँ पर आज करूंगा, मैं आपको बता दूं यदि आप इसको क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सरल करना चाहते हैं तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में 5.3 एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या अच्छे अच्छी बुक्स के बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ तरीका, बता देता हूँ कि भाई इनको करते हैं कैसे, इनका तरीका बता देता हूँ कि भाई इनको करते कैसे हैं। देखो सबसे पहले कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं यहाँ पर, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स वाई प्लस टेन एक्स प्लस वाई। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसमें x और y बराबर fx के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि x y अलग अलग नहीं हो पा रहे, यानी ये अस्पष्ट फलन है। तो पहले क्या करना है इसके अवकलन के लिए, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ भाई, इसके अवकलन के लिए तीन स्टेप आपको फॉलो करनी है, पहली स्टेप ये है कि आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में d/dx कर दो, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन कर दो, d/dx कर दो, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो दोनों पक्षों में d/dx कर लो। सेकंड स्टेप क्या कहती है, स्टेप टू कहती है कि dy/dx के पद LHS साइड रख लो। देखो मैं फिर बता देता हूं दोस्तों, पहले दोनों पक्षों में d/dx कर दो, इधर भी d/dx कर दो। फिर जो अपने dy/dx के पद है उसको LHS साइड में ले लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों क्या कीजिए, LHS साइड में dy/dx को कॉमन लेकर उसके गुणांक को नीचे भेज दीजिए, अर्थात dy/dx का मान निकाल लीजिए, कॉमन लेकर dy/dx ज्ञात करें। जैसे फिर बता देता हूं, दोनों पक्षों को d/dx ले ले, दोनों पक्षों का अवकलन करें, फिर dy/dx को LHS साइड में और बाकी सारी दुनिया को RHS साइड में ले लें, फिर जो LHS साइड में dy/dx है उनमें से dy/dx को कॉमन लेकर जो बचता है उसको वो सारी दुनिया के बटे में भेज दे, वो dy/dx का मान ही अस्पष्ट फलन का अवकलन आ जाएगा।
दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, बिना पेन उठाए, विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल यू कैन डू इट। इसकी एक ट्रिक है जिसको बिना पेन उठाए प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है मैं पहले थ्योरी के ब्रह्मास्त्र देता हूँ, थ्योरी सिखाता हूँ, फिर मेथड बताता हूँ, मेथड के करने के गुर सिखाता हूँ, तरीके सिखाता हूँ, और उसके बाद में वो ब्रह्मास्त्र देता हूँ दोस्तों। तो देखिए अब अपन इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं ताकि अपने को टॉपिक क्लियर हो कि भाई साहब हो क्या रहा है। तो इसके लिखता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन, करते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दोस्तों अपन कर लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। भाई 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। प्रश्न है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब मैं इसका करने वाला हूं उत्तर, आंसर हल करने वाला। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले मैं मेथड कर रहा हूं, यानी तरीका कर रहा हूं। तरीका कैसे करना, तो बाई मेथड, तो इसका मेथड कर रहा हूं यानी तरीका कर रहा हूं। ये लू साहब तरीका करते हैं, ठीक है, मेथड कर रहा हूं यानी तरीका कर रहा हूं। अब देखिए पहले क्या बताया था मैंने, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी बाएं पक्ष का अवकलन। बाया पक्ष है क्या, 2x प्लस 3y, ये देख लीजिए, और इधर भी अवकलन कर देता हूं डी बाई डी एक्स साइन एक्स। दोस्तों फिर मैं तुम्हें बताना चाहूं कि मैंने दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया है और कुछ नहीं किया, मैंने दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया है। अब देखिए एल एच एस साइड में देखूं तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा, जब एल एच एस साइड में देखूं तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा, यानी ये यू प्लस वी मेथड लग रहा है। देखिए यहाँ यू है, ये वी है, यू प्लस वी मेथड लग रहा है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री वाई और बराबर इधर वही लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। भाई साइन एक्स कोष्टक, कोई से कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। देखो 2x का अवकलन 2 होता है, 2x का x के सापेक्ष अवकलन 2 होता है, तो 2 लिख देता हूं प्लस, ऐसे नहीं कि अक्षर बार लूर फिर बताऊं। यहाँ 3y का 3 तो बार यानी 3 और y का अवकलन dy बाई डी एक्स होता है, x के सापेक्ष की बात चले तब तो dy बाई डी एक्स हो गया। तो बराबर साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, कोसेक्स होता है, कोसेक्स। अब मैंने क्या कहा, dy बाई डी एक्स के पदों को पहली स्टेप खत्म कर दी है। पहली स्टेप क्या थी दोस्तों, दोनों तरफ अवकलन करते हुए सरल करें। दूसरी स्टेप है dy बाई डी एक्स के पदों को LHS साइड में ले लें, dy बाई डी एक्स के पदों को LHS साइड में ले लें, और उसके बाद सारी दुनिया को RHS में रखें, dy बाई डी एक्स को LHS यानी बाएं पक्ष में रखें, बाकी सभी दुनिया को RHS यानी दाएं तरफ रखें। तो वो काम दोस्तों मैं करने जा रहा हूं। देखिए यहां पर मैं देखूं तो यहां पर ये जो 3dy/dx है, 3dy/dx है, इसको तो इधर लिख लेता हूं, बाकी दुनिया को RHS में। मैंने कहा बाएं पक्ष अर्थात LHS में ओनली dy/dx के पदों को रखें, बाकी सारी दुनिया इधर, तो cos x तो पहले से ही है और माइनस 2, तो cos x माइनस 2। अब dy/dx निकालना है तो 3 को आगे नीचे भेज दीजिए, यानी dy/dx का मान क्या, यहां सरल करता हूं दोस्तों, dy/dx का मान क्या, dy/dx का मान आया 3 को नीचे भेज दो तो cos x माइनस 2 बटे 3, ये आ गया आपके dy/dx का मान आ गया, ये आपका आ गया उत्तर। यहां पर ये तरीके से किया तो ये उत्तर आया दोस्तों। अब मैं क्या करना चाहूं,
अब मैं करना चाहूँ इसी को तरीके को मैं करना चाहूँ दोस्तों, यहाँ शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँ आपको। भाई शॉर्ट ट्रिक भी तो जरूरी है बतानी, तो शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, ये लो। इसी प्रश्न को भाई शॉर्ट ट्रिक करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। सालों का, वर्षों का एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद ये निष्कर्ष मिले। देखिए बेसिक में मैंने ट्रिक बताई, वो तो आप भी महसूस कर सकते थे, लेकिन अब जो ट्रिक बता रहा हूँ वो बहुत खतरनाक, खजाने से ब्रह्मास्त्र निकाल रहा हूँ, जैसे जैसे जरूरत पड़ी है बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र निकाल रहा हूँ। तो देखिए बाईस शॉर्ट ट्रिक से ये प्रश्न, पेन अभी तो इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ, नहीं तो इसमें पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है। 2200 ट्रिक यानी मैं यहाँ ब्रह्मास्त्र कर रहा हूँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र दोस्तों कर रहा हूँ। अब देखिए कैसे, हमेशा अस्पष्ट फलनों के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, अस्पष्ट फलनों के लिए शॉर्ट ट्रिक है। क्या है अस्पष्ट फलनों के लिए शॉर्ट ट्रिक, कि अस्पष्ट फलन कहते हैं कि यदि आप dy/dx करना चाहते हो, dy/dx करना चाहते हो, अस्पष्ट फलन में कहते हैं यदि dy/dx करना चाहते हो तो उसका उत्तर क्या आएगा, सीधा बता रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिए, सब इधर देखिए, किधर ध्यान किधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है, अमूल्य चीज इधर है ना। देखिए देखिए ये माइनस का चिन्ह, देखिए उत्तर बता रहा हूं सीधा, ध्यान से देखिए, dy/dx माइनस का चिन्ह कोष्टक और उत्तर बटे में आएगा, सदैव बटे में आएगा। ऊपर लिख दो y को अचर मानकर, y को ठीक है, अचर मानकर, y को अचर मानकर, एक y को अचर मानकर y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, सा मतलब सापेक्ष, f और अवकलन सापेक्ष अवकलन, ये तो ऊपर करना है। और नीचे क्या करना है दोस्तों, हर में करना है x को अचर मानकर x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष f और अवकलन। देखिए शॉर्ट ट्रिक बता दिए दोस्तों, फिर नहीं लिखूंगा। अस्पष्ट फलनों की शॉर्ट ट्रिक है dy/dx में माइनस कोष्टक में y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन और बटे में x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, इसको याद रख लीजिए दोस्तों, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं है। इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। फिर बता देता हूं दोस्तों यहाँ पे कैसे याद करनी शॉर्ट ट्रिक को। पहले माइनस का चिन्ह बाहर की तरफ, y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन, बटे नीचे x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन, समझ रहे हो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अब इस शॉर्ट ट्रिक से इसका उत्तर करना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करो तो यहाँ लिख देता हूँ भाई जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, पहली बात क्वेश्चन में सारे पद बाई साइड होने चाहिए, मतलब आपका प्रश्न हो जाएगा 2x + 3y + 3y -sin x = 0। मैंने कहा जब भी शॉर्ट ट्रिक का उपयोग कर रहे हो तो सारे पद बाई तरफ हो और ये सूत्र याद रहे। दो ही चीजें ध्यान रखनी है, अस्पष्ट फलनों के लिए शॉर्ट ट्रिक का सीधा प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शॉर्ट ट्रिक में एक तो ये शॉर्ट ट्रिक याद हो और सारे पद बाई साइड हो, दाई साइड सिर्फ जीरो हो। अब देखिए इसका dy/dx लिख रहा हूँ दोस्तों, dy/dx लिखूं तो देखिए dy/dx उत्तर आएगा, देखो बराबर माइनस का चिन्ह कोष्टक, ऊपर कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन y को चर मानकर,
तो 2x का x के सापेक्ष अवकलन 2 होता है, 2 लिख लिया। 3y या 3 ही अचर है, y को भी अचर मानना है, ऊपर देखो y को अचर मानकर, यानी 3y इज अचर यानी 0, तो 2 प्लस 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं। sin x, sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x होता है, तो 2 माइनस cos x बटे बटे बटे। अब नीचे x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन, भाई x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब ये हुआ, यहां पर 2x को देखो, पहले 2x को देखा तो 2x इज अचर, बिकॉज 2 अचर है, x को अचर मानना है, तो 0 हो गया इसका अवकलन। तो 3y का y के सापेक्ष अवकलन 3 होता है, क्योंकि 3 अचर है बाहर आ गया, y का 1 होता है y के सापेक्ष, और sin x y के सापेक्ष अवकलन करना है sin x का, जहां x अचर है तो sin x भी अचर है, तो 0, तो यही उत्तर आ गया। बस इसको रीअरेंज कर दो, बस इसको रीअरेंज कर दो, मतलब ये माइनस अंदर भेज दो, तो cos x माइनस 2 बटे हुए 3 उत्तर आ गया। ये आ गया दोस्तों उत्तर, क्या ये माइनस को बस अंदर भेजा, ये माइनस बस अंदर गया है दोस्तों, ये यहाँ कोष्ठक में, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब देखिए ये उत्तर सेम आ रहे हैं, अलग लगा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये जो उत्तर आ रहा है, यहाँ आ रहा था cos, इसका उत्तर ये आ रहा है cos x माइनस 2 बटे 3, यहाँ पे देखो ये इसका उत्तर है, तो ये उत्तर देखिए सेम आ रहा है या अलग लगा रहा है, सेम आ रहा है। सर इसका मतलब ब्रह्मास्त्र है तो बहुत उपयोगी। तो अब हम अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक हर में लिखाएंगे, बस ये लिखेंगे नहीं, तो आप ध्यान यही दे लेना भाई, ये चीज लिखेंगे नहीं, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले का आप ले पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इसको याद रख लो, याद रख लो, ये हमेशा भी सारे स्पष्ट फलनों के अवकलन में लगाने वाले हैं दोस्तों। तो अपन अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न करने के लिए आगे दोस्तों। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर करते हैं, क्या है अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। बहुत सारे इतने प्रश्न करेंगे कि आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, वो तरीके के तीनों स्टेप, तीन चरणों में मैंने तरीका बताया वो भी, और शॉर्ट ट्रिक भी। देखिए यहाँ पर लिखना चाहते हैं 2x प्लस 3y बराबर, इतना तो पहले वाला था, पिछली बार साइन एक्स था, इस बार साइन वाई कर देते, ये है। और अब इसका करना है आंसर, हल। तो दोस्तों पहले मैं करता हूं इसको शॉर्ट ट्रिक से, तो बाई शॉर्ट ट्रिक देखिए दोस्तों, अब प्रश्न को अपन शॉर्ट ट्रिकों से उड़ाने लगे हैं, प्रश्नों को अब अपन शॉर्ट ट्रिकों से उड़ाने लगे हैं। देखिए बाई शॉर्ट ट्रिक भाई, ब्रह्मास्त्र की मदद से, ब्रह्मास्त्र से इस प्रश्न को उड़ाने वाला हूं, ब्रह्मास्त्र से उड़ाने वाला हूं, ठीक है। देखिए पहले क्या कहा, शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले प्रश्न में सारे पद यानी सारे टर्म्स एलएचएस में होने चाहिए, तो साइन वाई इधर धनात्मक था, उधर गया तो ऋणात्मक हो गया। अब देखिए उत्तर लिख रहा हूं, तो dy/dx बराबर, देखिए साहब ऊपर क्या है, माइनस का चिन्ह और बटे, ये माइनस का चिन्ह है साहब, और ये बटा है। अब देखिए ऊपर y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन, तो 2x का 2 होता है, 3y का कितना 0, क्योंकि y को अचर मानना है, sin y 0, 2 ही आएगा ऊपर, बाकी सब 0। और नीचे क्या आएगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से बीच में लिख लेता हूं, तो ये 2 आ गया है भाई 2, और नीचे क्या, नीचे वाले में x को अचर मानकर y x को अचर माना, तो यहाँ x अचर 2 अचर यानी 2x अचर, तो अचर का अवकलन 0 हो गया। 3y में दोस्तों देखा जाए तो 3y में y के सापेक्ष अवकलन करने पर 3 आता है, और माइनस साइन y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो माइनस cos y आता है, यही उत्तर। अब चाहो तो इस क्या कर सकते हो, बस इसको माइनस को अंदर भेज दो, माइनस को अंदर भेजोगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, अर्थात उत्तर आ जाएगा 2 बटा, सरल कर रहा हूं उत्तर तो यही आ गया, वो नीचे उत्तर आ जाएगा cos y माइनस 3, मतलब वो माइनस को भेजा, ये माइनस है बार वाला, ये माइनस है अंदर गया, तो ये चिन्ह उल्टा हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये उत्तर। अब देखते हैं मेथड से कि भाई साहब अपन करते हैं तरीके से, क्या यही उत्तर आता है क्या। देखिए यहां करते हैं बाई मेथड तरीके से। देखिए तो मैंने उत्तर तो सीधा ही बता दिया दोस्तों,
अभी जितने हार्ड क्वेश्चन आएंगे उतना ही आसान हो गया। देखिए सबसे पहले क्या, दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर तो 2x प्लस 3y बराबर, आप छोटा कोष्टक भी लगा सकते हो, मुझे मंजिले की बड़ी आदत है इसलिए मंजिला कोष्टक लगा रहा हूँ। दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स अर्थात दोनों पक्षों में अवकलन करने पर ये अपना दोस्तों पहला स्टेप है अपने मेथड का पहला स्टेप है। देखिए फिर अलग ये u प्लस वी मेथड है तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x और यहां पर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3y, ये u प्लस वी वाले गुणधर्म से हो गया है, ये d बाई डी एक्स ऑफ साइन y हो गया है दोस्तों साइन y। अब मुझे एक बात बताइए, d बाई डी एक्स ऑफ 2x का 2 होता है प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3y का 3, तो सर y का अवकलन dy बाई डी एक्स, तो लिख लेता हूं dy बाई डी एक्स। अब देखिए बड़े ध्यान से ध्यान दीजिए भाई, सब इधर देखिए, किधर देख रहे हो, सब इधर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। सर आप साइन वाई का यहाँ तो जीरो कर रहे थे शॉर्ट ट्रिक में, यहाँ जीरो करोगे क्या, तब करते हैं जब वाई को अचर मानकर और जब स्पष्ट फलन में एक्स और वाई दोनों चर होते हैं, तो यहाँ पर साइन वाई का क्या, पहले कोस वाई फिर क्या किया, ये तो y के सापेक्ष किया, x के सापेक्ष करना है तो फ्री में लिखो dy by dx। जब भी कोई अलग चर हो, किसी अलग चर के सापेक्ष अवकलन करना हो तो पहले जिस फलन जिस चर का फंक्शन है उसके सापेक्ष अवकलन कर दो और फिर उसको उसमें चेंज कर दो। कैसे, ये y का फलन है तो पहले y के सापेक्ष अवकलन करो, sin y का y के सापेक्ष अवकलन cos y, फिर x के सापेक्ष करना था तो चेंज कर दो y टू x, तो dy by dx लिख दो। ठीक है, अब मैंने कहा था dy by dx के पदों को, dy by dx के पदों को क्या कर दो, बाईं तरफ ले आओ, बाकी सारी दुनिया को दाईं तरफ ले जाओ, यानी 3dy by dx इधर ही रहेगा और ये माइनस cos y dy by dx इधर आ जाएगा क्योंकि dy by dx का पद है और ये 2 इधर जाकर माइनस 2 हो जाएगा। अब मैंने बोला था इनमें से dy by dx कॉमन ले लो, dy by dx कॉमन लेकर उसका मान निकाल लो, पहला पद क्या था दोनों तरफ अवकलन कर दो, दूसरी स्टेप क्या थी dy by dx के पदों को LHS साइड में लियो, बाकी दुनिया को RHS साइड में जाने दो, फिर तीसरी स्टेप है dy by dx को कॉमन लेकर उसके गुणांक को नीचे भेजकर उसका मान निकाल लो। कैसे, देखो ये तो यानी dy by dx है तो यह कॉमन आ जाएगा 3 माइनस कोस वाई बराबर माइनस 2। अब देखो आगे का यहां कर देता हूं, आगे का यहां कर देता हूं, तो dy बाई डी एक्स आया कितना, dy बाई डी एक्स आया देखो माइनस 2 बटे वे 3 माइनस कोस वाई, ये आया, ये बटे वाला ये गुणा होता है, पक्षानांतरण होता है तो भाग में। अब देखो ऊपर वाला माइनस हटाने के लिए नीचे वाले को उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, dy by dx बराबर माइनस 2 को यदि 2 करना चाहूं तो नीचे वाला cos y माइनस 3, ये उत्तर आ गया है। ये अब देखिए दोस्तों क्या शॉर्ट ट्रिक से जो ये उत्तर आया है, हाँ सर ये वाला तो उत्तर आया है शॉर्ट ट्रिक से, सर 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 क्या हो गया रे सर, सेम टू सेम उत्तर आया है, और देखो ना यही नहीं ये ऊपर वाला स्टेप है ना गुरुजी, हाँ ये भी सेम टू सेम मिल रहा, देखो ये माइनस ये रहा माइनस 2 फिर सरल किया, हाँ तो ये वही तो बात है, सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, इसका मतलब ये हुआ शॉर्ट ट्रिक बहुत कारगर है, देखो ना मेथड कितना बड़ा, तो शॉर्ट ट्रिक ये तो समझाने के लिए इतनी बड़ी लिखी, कल से आप बिना पेन उठाए उत्तर लिखोगे, उत्तर लिखोगे कल से, मतलब आज प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो फिर कल से। आगे के प्रश्न दोस्तों अपन करते हैं, आगे चलते हैं अगला प्रश्न, अगला कोई और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं करता हूँ, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न मैं आपको दोस्तों करा रहा हूँ, तो अगला प्रश्न करता हूँ एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कोस वाई, कोस वाई। देखिए इस प्रश्न को x के सापेक्ष अवकलन करना है, इस प्रश्न का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो बताइए इसको y बराबर x के रूप में लिखा जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि cos इनवर्स आएगा तो by स्क्वायर अलग नहीं होगा, और मान लो सर हमें तो पता ही नहीं आप किसको स्पष्ट कह रहे हो,
किसको अस्पष्ट कह रहे हो? तो मैंने कहा अस्पष्ट फलन मानकर कर लो, स्पष्ट को भी अस्पष्ट के तरीके से कर सकते हैं। तो अस्पष्ट वाला तरीका सब में लगा दो, चाहे स्पष्ट हो चाहे अस्पष्ट हो। स्पष्ट वो जो पहले अभी तक प्रश्न किए थे, स्पष्ट फलन के अवकलन को स्टार्ट करने से पहले जो जो प्रश्न किए वो। अब देखिए इसको करते हैं, तो इसका आंसर करते हैं। तो आंसर भी दो तरीकों से, एक तो बाई मेथड यानी तरीके से बोर्ड परीक्षा में भी, और आपकी स्किल दिमाग का विकास के लिए, आपकी दिमाग का विकास गणित इस प्रकार से बातें करते करते आपके अंदर भेज दूंगा कि आपके सिराओं में और धमनियों में शुद्ध और अशुद्ध रक्त नहीं, जुनून दौड़ेगा, वो भी गणित का जुनून दौड़ेगा, है ना। वो पंपिंग करता है ना, हृदय पंपिंग करता है ना ब्लड को, तो वहां पर ये अवकलन पंप करेगा। अब अवकलन पंप करेगा दोस्तों, तो गणित का ये अवकलन आपका डायफ्राम बन जाएगा, पंपिंग करता रहेगा। अब देखो दोस्तों, अब पहले इसको उड़ाता हूं शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो पहले करता हूं दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? गणित में हर एक प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, हर एक प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक। मैंने सारे प्रश्न सबकी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, जिंदगी की भी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। देखिए ये करते हैं ब्रह्मास्त्र, ये नाम ही ब्रह्मास्त्र है, आपके देवगुरु ने बड़े मेहनत से बनाया ये ब्रह्मास्त्र, है ना। तो देवगुरु शॉर्ट ट्रिक बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या कर लो, बोला कि बाई तरफ रख लो। शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले प्रश्न को ऐसे लिख लो। अब ऐसे मत कहना कि ये शॉर्ट ट्रिक इतनी बड़ी कैसे, ये तो प्रश्न ही है दोस्तों। मैंने कोस वाई को दाएं साइड से बाएं साइड पक्षानांतरण किया है। क्या किया है? पक्षानांतरण किया है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बोलो माइनस का चिन्ह और बटे वे में ऊपर क्या कर लो, y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन कर लो। x का a होता, dy स्क्वायर का क्या, जीरो, क्योंकि b अचर, y स्क्वायर इज अचर, cos y में y अचर, तो cos y अचर जीरो, तो a बटे वे। नीचे देखो, नीचे वाले में x को अचर मानकर x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन, अर्थात ax में x अचर, a अचर जीरो, dy स्क्वायर में तो b तो अचर बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का 2y यानी 2by आ जाएगा दोस्तों। और cos y का अवकलन माइनस sin y, इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों प्लस sin y, तो यही आ गया दोस्तों उत्तर। माइनस चाहो तो अंदर भी भेज सकते हो, तो माइनस a 2by बटे साइन वाई, यही उत्तर है दोस्तों, यही उत्तर है। अब चलते हैं मेथड की तरफ, अब अपन करते हैं तरीके से। तरीका कहता है दोनों पक्षों में अवकलन कर दो x के सापेक्ष, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर इधर भी d बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, कॉस वाई। देखिए भाई साहब, मैं यहाँ कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर को यू प्लस वी है, तो अलग अलग लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई स्क्वायर, यहाँ पर बराबर का चिन्ह डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई, कोस वाई। अब देखो सरल करते हैं, एक तो अचर है एक्स स्क्वायर का, दो एक्स अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन किया जाए तो 2x होता है, a पहले से गुना है तो 2ax आ गया प्लस। अब देखो बीवाई स्क्वायर वाई का फलन है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं लिखते, शॉर्ट ट्रिक में जीरो लिख रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में मैंने लिखा है कि वाई को अचर मानकर एक्स के सापेक्ष अवकलन करो बटे x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अचर वो तो शॉर्ट ट्रिक में माना है, इधर तो y और x दोनों चर है, तो दूसरे चर का दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब ये हुआ पहले y के सापेक्ष कर दो, तो b तो अचर है
बी वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष किया तो टू बी वाई, तो टू बी वाई और वाई का फिर गुणे डी वाई बाई डी एक्स, ताकि देखो एक्स भी राजी, बोला मैंने तो एक्स के सापेक्ष बोला रे, तू वाई के सापेक्ष कैसे हो गया, बोला थोड़ा रुक जरा ठहर डी वाई बाई डी एक्स कर दिया है। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई, कोस वाई का अवकलन अपने को करना है दोस्तों, तो कोस वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष करना, तो पहले वाई के सापेक्ष कर दो, तो माइनस साइन वाई, क्योंकि को साउंड पता चल रही है ना माइनस क्यों आया, और फिर ये तो वाई के सापेक्ष हुआ, तुझे तो एक्स के सापेक्ष करना था, ले तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिख दे। अब देखो पहली स्टेप खत्म हो गई इस प्रश्न की, दूसरी स्टेप क्या थी, दूसरी स्टेप थी कि भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स को एल एच एस साइड ले लो और बाकी दुनिया को आर एच एस साइड यानी दाएं साइड भेज दो। तो इधर देखो टू बी वाई, टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स, और ये इधर जाएगा माइनस साइन है तो प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह दोस्तों, बराबर का चिन्ह है ना। ये यहाँ पर अपन ने प्रश्न को कुछ ए एक्स स्क्वायर लिख लिया है, इसको करेक्शन करते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा करेक्शन करते हैं भाई, ये प्रश्न है ना इसमें ए एक्स ही है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स ही है, तो एक्स का अवकलन ए ही होगा ना दोस्तों, ये लो है ना, इतना सा प्रश्न में अपन ने करेक्शन कर लेते हैं, ये करेक्शन कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर था है ना, मेरे प्रश्न में एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर था दोस्तों, तो ये एक्स का ए आ गया, ये चलो तो अब देखो ए को इधर ले तो ये माइनस ए आ गया, तो माइनस ए आ गया। अब इसको डीवाई बाई डी एक्स को आगे यहाँ कर देता हूँ, डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो बोलो यहाँ तो टू बी वाई बचा और यहाँ पे प्लस साइन वाई बचा, तो यहाँ आ गया टू बी वाई प्लस साइन वाई, टू बी वाई प्लस साइन वाई बराबर माइनस ए। अब देखो 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 डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करना, तीसरी स्टेप कह रही है कि कॉमन लेकर डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करो, अर्थात माइनस ए तो ये रहा, और इसको बटे में भेज दो, जो गुणा में होता है इधर बटे में जाएगा, यानी टू बी वाई प्लस साइन वाई दोस्तों, तो ये आ गया अपना उत्तर। अब क्या सर चेक करके हमें बताओ कि क्या जो उत्तर आ रहा है आपका ये वही सेम टू सेम आ रहा है क्या, डी वाई बाई डी एक्स है माइनस ए बटा टू बी वाई साइन वाई आ रहा है सर, यहाँ देख लो ये रहा माइनस ए टू बी वाई साइन वाई, सर ये तो सेम टू सेम आ रहा है। मान लो यदि प्रश्न में या स्क्वायर होता तो स्क्वायर के हिसाब से कर दो, मैंने स्क्वायर लिया नहीं है, अगला प्रश्न ले लेता हूँ जिसमें यही प्रश्न का स्क्वायर ले लेता हूँ भाई, यही प्रश्न स्क्वायर वाला भी कर देता हूँ, आपको दिक्कत है तो अगले प्रश्न में स्क्वायर वाला कर देता हूँ, कैसे देखिए यही प्रश्न ले लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, भाई स्क्वायर वाला कर देता हूँ, आप सोचोगे कि मास्टर ने स्क्वायर वाला कैसे, ये प्रश्न ले लेता हूँ। अब इसको पहले सरल करता हूँ, तो सबसे पहले इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, प्रश्न ये है कि ये दे दिया वाई के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष नॉट वाई के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए यानी डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक से उड़ाते हैं इस प्रश्न को, पहले शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं यानी अपना ब्रह्मास्त्र दोस्तों लगाते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक का खजाना खोल रहा हूं, पहले सबसे पहले क्या कर लो, पूरे प्रश्न को बाई तरफ लिख लो, पूरे प्रश्न को बाई तरफ लिख लो, ये लो साहब लिख लिया, ये तो प्रश्न था, अभी ट्रिक नहीं लगाई है, अभी ट्रिक नहीं लगाई, जरा ठहरो, ये यहाँ पर क्या डीवाई बाई डी एक्स लिखना चाहता हूँ, डीवाई बाई डी एक्स लिखना चाहता हूँ, अब देखना ध्यान से, माइनस ऑफ ऊपर वाई को अचर मानकर एक्स के सापेक्ष, तो वाई अचर तो ये अचर दोनों का जीरो हो गया, और ए एक्स स्क्वायर चर है तो ए तो अचर, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स गुणा ए, ऊपर टू ए एक्स आएगा, बस आप समझ गए होंगे, नीचे एक्स को अचर मानकर वाई के सापेक्ष, एक्स को अचर तो ये टर्म पूरी अचर, तो अचर का अवकलन जीरो, बी वाई स्क्वायर में वाई चर है क्योंकि
यहाँ पर x को चर मानना है हर में, तो y स्क्वायर का 2y एंड 2by माइनस cos y का को प्लस sin y देख लो, ये उत्तर आना चाहिए। अब इसको कर लेता हूँ हल बाई मेथड से, तो पता चल जाएगा भाई साहब, है ना। तो आंसर और इसको करता हूँ तरीके से, यानी बाई मेथड से मैं करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेथड कहता क्या है, मेथड कहता है भाई साहब दोनों तरफ d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर बराबर d by dx of cos y कर दो। यदि आप समझ रहे हो तो सीधा कर दूं क्या u प्लस v को अलग अलग नहीं कर क्या मैं सीधा कर दूं क्या। सीधा का मतलब ये हुआ कि भाई ये d by dx of ये ax square, u प्लस v मेथड ये अलग अलग नहीं करता, सीधा कर देता, अगले प्रश्न में कर दूंगा। ध्यान रखना dy square बराबर d by dx of cos y। अब सरल करो, ax स्क्वायर का अवकलन 2ax होता x के सापेक्ष, by स्क्वायर का x के सापेक्ष, पहले तो y के सापेक्ष 2by हुआ, फिर बोला रे x के सापेक्ष करना था, y के सापेक्ष कर दिया, तो dy by dx लिख दो, ये लो बराबर cos y का माइनस sin y, और y के सापेक्ष कर दिया रे, तो dy by dx लिख दो। ये स्टेप वन का था। स्टेप टू कहती है कि dy by dx को बाई साइड लिख दो, बाकी दुनिया को दाई साइड लिख दो, अर्थात 2by प्लस sin y यहाँ कोष्टक में ले लिया dy by dx, यहाँ कोष्टक में ले लिया dy by dx बराबर क्या लाड लूं, बराबर ये देखिए क्या किया मैंने, सीधा एक स्टेप खा गया हूँ, देखिए एक स्टेप खा गया हूँ, फिर मैं एक स्टेप खा गया कैसे, देखो dy by dx को इसको इधर लिया, कॉमन ही ले लिया है, और 2x को इधर लिया, या देखो इधर एक स्टेप खा गया हूँ। आप समझ गए होंगे, आप थोड़ा फास्ट पढ़ाओ करते हो, तो थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया है ना। देखिए मैंने क्या किया, फिर बता देता हूँ, एक स्टेप और थी भाई साहब, यहाँ एक स्टेप ये थी कि ये पहले इस टर्म को इधर लाना था और इस टर्म को इधर भगाना था, तो मैंने क्या किया कि इधर लाकर कॉमन ही ले लिया। तो आप करते रहे ना, एक स्टेप मैंने खा गया हूँ। तो देखो dy by dx चाहिए, तो dy by dx होता कैसे, माइनस 2ax बटे में ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात 2by प्लस sin y, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आप राजी हो सकते हो। सर अब हमें तो चेक कर बताओ, मास्टर हमें तो चेक करके बताओ। देख लीजिएगा ये माइनस 2x साइन बी वाई आया, यहाँ देखो माइनस 2x सही है सर, 2by साइन वाई। सर क्या हुआ, सर ये तो सेम टू सेम आया, इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक काम कर रही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। लो चलो लिखता हूं मैं अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं आपके सामने दोस्तों लिख रहा हूं क्वेश्चन, ये अच्छा प्रश्न है। xy प्लस y स्क्वायर बराबर tan x प्लस y। देखिए ये प्रश्न है और इसमें लिखा है कि भाई dy by dx ज्ञात करो। प्रश्न में लिखा है dy by dx ज्ञात करो, मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन करो, यानी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करो, वही dy by dx का मतलब होता है। तो सबसे पहले इसकी भी शॉर्ट ट्रिक से उड़ाते हैं, इस प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से उड़ाते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक यानी भाई साहब मैं अपना ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले पूरे प्रश्न को बाई साइड लिख दो, माइनस टेन एक्स माइनस वाई बराबर जीरो ऐसे। अब देखना उत्तर लिख रहा हूँ dy by dx बराबर माइनस ऑफ ऊपर लिखना है y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन कर दो, y को अचर मानकर
x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो y को अचर मान लिया, यहाँ पे देख लीजिए y को अचर मान लिया, तो x का अवकलन 1 यानी y, फिर y स्क्वायर अचर तो 0, माइनस टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन, माइनस का माइनस, टेन एक्स का sec स्क्वायर x, फिर y अचर है तो 0, तो लिखना नहीं है, बटे वे में बटे, फिर नीचे x को अचर मानकर y का अवकलन, तो यहाँ x तो अचर है, y का अवकलन 1 यानी x आ जाएगा। अगले में y का सापेक्ष अवकलन करना है x को चर मानकर, तो y स्क्वायर का 2y, तो प्लस के 2y, और माइनस टेन एक्स x अचर है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में है x को चर मानकर, तो x को चर माने तो sec स्क्वायर x, ये होगा नहीं sec स्क्वायर x, क्योंकि 0 हो जाएगा, टेन एक्स इज ऑल्सो चर, और माइनस y की जगह y का अवकलन 1 हो जाता, तो दोस्तों मैं यहाँ माइनस 1 लिख लेता, ये आ गया उत्तर। चाहो तो इसको बदल दो, माइनस अंदर भेज दो, यानी sec स्क्वायर x माइनस y बटे x प्लस 2y-1, ये उत्तर। भाई उत्तर ये भी सही है और ये भी सही है, माइनस अंदर भेजा है, बाकी सेम टू सेम, ट्रिक में सीधा ही उत्तर लिख रहे हैं। अब अपन जाते हैं मेथड पर, अपन करते हैं इसको आंसर बाई मेथड से, तरीके से बाई मेथड से, मेथड। लो साहब मेथड बताता हूं अब। सबसे पहले दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स कर दो, डी बाई डी एक्स कर दिया, बोलो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इधर कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर कर दिया टेन एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने क्या कर दिया है, मैंने दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स कर दिया है, स्टेप वन कर दी है। अब स्टेप टू करने से पहले इसको सरल कर लेता हूं, u प्लस v मेथड है, तो देखो लिख देता हूं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और यहां पे प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, बराबर यहां पे भी u प्लस v मेथड, यानी d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ किसका y का, तो dy बाई डी एक्स। अब देखिए दोस्तों, इसका करना चाहता हूं, इसका अवकलन करना चाहता हूं तो यहां पर क्या करेंगे, x u डॉट v वाला है, तो यहां पर पहले x हेजे से y का अवकलन dy by dx x के सापेक्ष, फिर y हेजे से x का अवकलन 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर y स्क्वायर का 2y का dy by dx, क्योंकि करना x के सापेक्ष है, बराबर tan x का होता है sec स्क्वायर x, और ये प्लस dy by dx। अब देखो क्या है, dy by dx वाले पदों को उधर भेज दो, तो देखो ये दो तो पड़े ही हैं, एक ये रहा, है ना, एक इसके बाद एक ये रहा, अब एक ये रहा, इनको क्या कर दो, एक ये रहा, इनको बाई साइड रखो, बाकी दुनिया को दाई साइड, तो देखो लिखता हूं, ये x dy by dx प्लस दोस्तों 2y dy by dx, अब इसको लाता हूं, तो ये माइनस होगा, पक्षांतरण होकर आ रहा है dy by dx, और इसको लिखता हूं sec स्क्वायर x, और ये y उधर चला गया है, ये y डेंटन है, उधर चला गया है, तो ये y उधर, तो माइनस y लिख देता हूं, माइनस y। अब उसमें से कॉमन ले लो, आगे का दोस्तों यहां कर देता हूं तरीका, कॉमन लेता हूं dy by dx कॉमन लेता हूं, तो बचा x प्लस 2y-1 बराबर sec स्क्वायर x माइनस y, ठीक है। अब भाई कॉमन लेकर तीसरी टर्म कहती है, तीसरा पद कहता है कि कॉमन लेकर, तीसरा स्टेप कहता है कि कॉमन लेकर dy by dx का मान निकाल दीजिए, तो आएगा sec स्क्वायर x माइनस y बटे x प्लस 2y-1, तो दोस्तों ये अपना आ गया उत्तर। अब सर चेक करो फिर शॉर्ट ट्रिक की प्रमाणिकता, देखिए दोस्तों ये dy by dx आया है sec स्क्वायर वाई, सर क्या हुआ सर, ये शॉर्ट ट्रिक तो एकदम वो का वही आया है सर, देखो सेम टू सेम आया है, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने बता दिया वो सार्वभौमिक सत्य है,
जो मैंने बता दिया वो सार्वभौमिक सत्य चीज है। तो दोस्तों इस प्रकार से कैसा लग रहा है एक बार बता जरूर दीजिएगा कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे हो। एक बार सांस ले लीजिए, थोड़ा सांस ले लीजिए, ऐसे थोड़ा सांस ले लीजिए, क्योंकि सांस लेना भी जरूरी है दोस्तों। मजा तो आ रहा है ना, है ना, मजा तो आ रहा है ना दोस्तों। दोस्तों अपने हौसले को इस तरह मजबूत रखो, मैं आप कभी आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट, कभी थोड़ा धीरे, सब बराबर चल रहा है, सब बराबर चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कब धीरे चलना है, कब फास्ट चलना है। क्योंकि धीरे धीरे चीजों को मैं इसलिए बेसिक में समझा रहा था क्योंकि आपको लग रहा होगा थोड़े धीरे चल रहे हैं, है ना, कभी कभी शॉर्ट ट्रिक में फास्ट लग रहा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे, आप तो बस इन चीजों को पढ़ते जाओ, हौसला इतना रखो, बस पॉजिटिव माइंड रखो कि समझ में आ रहा है। तुम्हें एक छोटी सी बात दो लाइनें कहता हूँ। एक बार क्या मंजिल है, अपना लक्ष्य एक मंजिल को कहा जाता है, और हौसला अपने दम को, विश्वास को कहा जाता है। तो मंजिल ने क्या हौसलों से मजाक कर ली, तो कैसे दो लाइनों में बयां करना चाहता हूँ। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जो मंजिल है उसने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को दोस्तों उसकी औकात बतानी है, मंजिल अपने को प्राप्त जरूर होगी, बस हौसला जारी रखें। देखिए दोस्तों अपन चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों मैं लिखता हूं अगला प्रश्न, बहुत सारे इतने प्रश्न करवा दूंगा कि ये ट्रिक एस्पर्स फलन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, ये प्रश्न करता हूँ, ये बराबर का चिन्ह है भाई साहब। इसमें भी है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी dy by dx ज्ञात कीजिए, अंग्रेजी में find dy by dx, और differentiate it with respect to x। अब देखिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले शॉर्ट ट्रिक से उड़ाता हूँ, तो देखो शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर मेरे ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं बच सकता। आपको पता है दोस्तों राम के ब्रह्मास्त्र से, है ना, राम लक्ष्मण जब युद्ध कर रहे थे तो उनके ब्रह्मास्त्र से रावण भी नहीं बच पाया था, तो कोई नहीं बचेगा अपने ब्रह्मास्त्रों से। यूं मान लो गणित का एक एक प्रश्न, एक एक प्रश्न को अपन ब्रह्मास्त्रों से उड़ाने वाले हैं। देखो ब्रह्मास्त्र लगाने से पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई सभी पदों को बाईं पक्ष में रख लो, बस आ गया उत्तर। लिखो dy by dx, उत्तर लिख रहा हूँ दोस्तों, उत्तर लिख रहा हूँ। देखिए इसका उत्तर कितना, माइनस ऑफ ऊपर तो क्या y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष 2x होता, x y का y तो अचर है, x का एक होता तो y आ जाएगा प्लस y स्क्वायर इज अचर 0, सो इज अचर 0, तो कुछ नहीं आएगा। और नीचे नीचे कहता है x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन, तो x अचर 0, xy में x अचर y का अवकलन 1, y के सापेक्ष बात करूं तो x आ जाएगा, ये x आ जाएगा, फिर y स्क्वायर का अवकलन y के सापेक्ष 2y, तो +2y, सो अचर है तो 0, यही उत्तर आने वाला है। देख लो, यदि विश्वास नहीं है तो देख लो, तरीके से बता देता हूं आंसर, यानी बाई मेथड बताता हूं, कैसे प्रश्न का उत्तर आएगा। देखो सबसे पहले है कि भाई क्या कर लो, दोनों पक्षों में अवकलन कर लो। तो यहां पर मैं इधर d by dx लिख देता हूं, तो यहां बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इधर बराबर के इधर भी डी बाई डी एक्स, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर स्टेप वन ये 100। अब देखिए इसका डायरेक्ट कर दूं क्या, यदि आपको पता चल पा रहा है, ये यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू है, एक बार तो अलग अलग कर देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये एक्स वाई का अवकलन आप बहुत जनों को आता नहीं इसलिए डायरेक्ट नहीं किया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और 100 का 0 होता है अचर है, लिख दो। अब इसको सरल करो, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2xx के सापेक्ष,
एक्स वाई का अवकलन, पहले x का अवकलन एक y है जैसे, फिर x y का अवकलन x के सापेक्ष dy वाई बाई डी एक्स, ये पूरा आया है भाई। वाई स्क्वायर का 2y, सर क्या हुआ, तूने तो वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष कर दिया, तो चल एक काम कर यहाँ dy वाई बाई डी एक्स लिख दे, हो गया x के सापेक्ष, ठीक है। अब dy वाई बाई डी एक्स को तो इधर रख लो, तो लाडलू ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, इसको तो इधर रख लो और बाकी सारी दुनिया को उधर भेज दो, तो यानी x dy by dx dx plus 2y 2y dy by dx, ये तो इसको इधर रख लिया, और इसको माइनस कॉमन ले लो चलो, तो माइनस 2x और माइनस y फिर ले लेंगे, ये आ गया इधर। अब इसको आगे सरल करते हैं, तो देखो dy by dx कॉमन लेते हैं बाई पक्ष में, dy by dx लिया तो x plus 2y आया, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो 2x plus y, ठीक है। तो यहां पर dy by dx सरल करो, dy by dx सरल किया तो ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग 2x plus y बटे वे x plus 2y, ये उत्तर। विश्वास नहीं होता तो चेक कर लेते हैं, विश्वास नहीं है तो चेक कर लेते हैं, देखिए उत्तर कितना आया, माइनस टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई, सर 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 क्या हुआ, माइनस ये रहा सर, सेम टू सेम आया, वही तो मैं कह रहा हूँ, सेम टू सेम सदैव आएगा, सेम टू सेम सदैव आएगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी और क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इससे फील आना चाहिए, है ना, गणित को याद करना रटना नहीं है, फील इट फील इट, इसको फील करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न मैं आपके सामने एक अच्छा सा प्रश्न लिखता हूं भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। ये प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करो, सबसे पहले इसको फाइंड dy by dx शॉर्ट ट्रिक से उड़ाते हैं, तो भाई शॉर्ट ट्रिक, भाई साहब तुम्हारे पास सबकी शॉर्ट ट्रिक है क्या, हाँ हमारे पास सबकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है मास्टर साहब, पहले क्या करो, सारी टर्मों को क्या लिख दो, बाई तरफ लिख दो, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 81 बराबर 0। अब बस 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 उत्तर आ चुका है, dy by dx बराबर माइनस, ऊपर क्या लिखते हैं, y को अचर मानकर x का अवकलन कर दो, y को अचर मानकर x का अवकलन कर दो, तो x क्यूब में 3x स्क्वायर, x स्क्वायर y में, y तो अचर है, x स्क्वायर का 2x, तो 2xy 2xy, अब xy स्क्वायर तो अचर, तो x क्या, x का 1 यानी y स्क्वायर, अब y क्यूब क्या, अचर 0 81 0 बटे, अब बटे में हर में x को अचर मानकर y का अवकलन कर दो, x को अचर मानकर y का अवकलन कर दो, तो देखना x क्यूब अचर है तो 0, x स्क्वायर y में y का अवकलन 1, x स्क्वायर अचर है तो लिख दिया x स्क्वायर, x y स्क्वायर में x तो अचर है, y स्क्वायर का अवकलन करते हैं, ये x अचर है, ऐसे रिकॉर्ड मत कर लेना कि देखो देखो सर ने x को अचर बताया, मैं इस शॉर्ट ट्रिक में बात कर रहा हूँ, एक्स वाई स्क्वायर बराबर y स्क्वायर का क्या 2y और ये 2 प्लस 2xy, फिर देखो y क्यूब का 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 81 तो अचर तो 0, ये उत्तर आएगा, देखो तरीके से कर कर चेक करवा देता हूँ भाई, आंसर आंसर यानी बाई मेथड, तरीके से, बाई मेथड का मतलब होता है तरीके से, बाई मेथड का मतलब है भाई साहब तरीके से करो, देखिए d by dx of यहाँ पे x cube plus x square y plus xy square plus y cube ये इधर, और d by dx of 81, देखो पता ही चल रहा है भाई, तरीके से पता ही चल रहा है तुम्हें कि तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सरल कर रहा हूँ, तो 81 का अवकलन इधर लिख दिया। अब आगे,
अब सीधा कर रहा हूं, अब सीधा कर रहा हूं, मतलब देखना इस बार u प्लस v प्लस w प्लस p अलग अलग नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। x क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर y का, पहले x स्क्वायर का करूं तो 2xy, फिर x स्क्वायर को है जैसे y का करूं तो dy/dx, फिर एक्स वाई स्क्वायर में x का करूं तो 1y स्क्वायर है जैसे, फिर x है जैसे लिखूं y स्क्वायर का करूं तो 2yx गुणा 2y गुणा dy/dx, फिर क्या करूं, फिर y क्यूब का करूं तो 3y स्क्वायर dy/dx और उसका जीरो। इस बार देखना सीधा किया है मैंने, है ना, अभी तक अलग अलग किया, पहली बार सीधा किया, समझ में आया या नहीं। x स्क्वायर, अब दूसरी स्टेप, dy/dx के पदों को इसी साइड रखें, LHS साइड रखें, x स्क्वायर dy/dx प्लस ये x गुणा 2y एंड 2xy dy/dx, 2xy dy/dx और तीसरी 3y स्क्वायर dy/dx बटे में है, ये बटे में dy/dx बराबर, इनको इधर भेज दो, यानी माइनस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक माइनस 2xy, तीनों को इधर भेज दिया। अब dy/dx कॉमन ले लो, देखिए दोस्तों dy/dx यदि मैं कॉमन ले लिया तो यहां बचा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, इधर बचा माइनस, यदि बाहर ले लो तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये इधर उधर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इधर पक्षांतरण करके कॉमन ले लिया है, कॉमन लेकर dy/dx का मान ज्ञात करो, अर्थात इसको गुणा में उधर जाएगा भाग में, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटे में इसका ये गुणा वाला चला जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया दोस्तों फाइनल आंसर। अब यहां पर मिला लीजिए माइनस का चिन्ह, 3x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर, बिल्कुल माइनस का चिन्ह 3x स्क्वायर, बिल्कुल नीचे x स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर, देखो सेम टू सेम आ रहा है, मतलब शॉर्ट ट्रिक बड़ी कारगर चीज है, शॉर्ट ट्रिक बड़ी कारगर चीज है। अगला प्रश्न करते हैं भाई, बहुत देर से ये प्रश्न कर रहे हैं तो एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर के कुछ नहीं अचर है, dy/dx ज्ञात कीजिए, फाइंड द dy/dx। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से उड़ाता हूं इसको, तो बाई शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक से इसको उड़ाता हूं, ब्रह्मास्त्र की सहायता से इसको करता हूं। सबसे पहले प्रश्न को बाई तरफ लिख दो xy माइनस के बराबर जीरो। अब उत्तर आ चुका है, देखिए सब इधर ध्यान से देखिए, dy/dx माइनस, अब ऊपर क्या y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन, y अचर है तो साइन स्क्वायर y अचर, उत्तर जीरो। कोस एक्स वाई में y अचर है, कोस एक्स वाई में y अचर है तो कोस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई, तो माइनस साइन एक्स वाई, और फिर y का, भाई y अचर है तो कोस एक्स वाई, तो फिर एक्स वाई का करेंगे तो x का एक y है जैसे, तो y बाहर आ जाएगा, यानी गुणे में, ये गुणे में है y, बटे नीचे आ जाएगा x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन। तो यहां देख लीजिए साइन स्क्वायर y का हो जाएगा 2 साइन वाई और फिर साइन y का कोस y, और कोस x प्लस y का हो जाएगा दोस्तों प्लस, कोस x प्लस y का हो जाएगा माइनस, तो यहां पर ये माइनस लिखता हूं, माइनस यहां पर आ जाएगा साइन एक्स वाई, फिर y का एक x को अचर मानना है तो ये x बाहर, ये समझ गए होंगे आप। अब देखो इसको सरल करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो मैं इसी में सुधार कर दूं, देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये उत्तर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको लिख लो y साइन एक्स वाई बटे
बटे 2 साइन वाई कोस वाई को साइन 2y लिख दो, साइन 2y लिख दो माइनस एक्स साइन एक्स वाई। देखो साइन 2 साइन वाई कोस वाई को ये लिख दो, तो ये उत्तर आ गया। कैलकुलेशन करने के लिए दो स्टेप में लिखा, उत्तर तो सीधा ही आ गया था, सरलीकरण के लिए एक और स्टेप की। इसका दोस्तों करते हैं अपन हल। हल करने के लिए ये मैं ले लेता हूं हल आंसर, ये नया दूसरे रंग का मार्कर ले लिया मैंने। देखिए तो मेथड से कैसे करें, मेथड से कैसे करें, बोर्ड परीक्षा की भी तो धज्जियां उड़ानी है, उसमें भी तो टॉप करना है। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ के लेना है। अब देखिए दोस्तों इसको u प्लस v को अलग अलग लिख देता हूं, पिछली बार भी दिक्कत में आ रहे थे। साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स वाई, देखिए इसका उकलन बताने के लिए अलग से लिया, k अचर है उकलन जीरो। साइन स्क्वायर वाई का x के सापेक्ष, तो y का फलन है तो पहले y के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो 2 साइन वाई और फिर साइन वाई का कोस वाई, ठीक है। फिर वाई ये उकलन तो वाई के सापेक्ष हुआ, तो एक्स के सापेक्ष करना है तो फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख दो। फिर कोस एक्स वाई का, कोस एक्स वाई का पहले वाई, कोस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो दोस्तों, या माइनस साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई साइन एक्स वाई। फिर एक्स वाई का करते हैं तो एक्स वाई का होगा पहले एक्स का एक तो वाई प्लस फिर एक्स है जैसे वाई का डीवाई बाई डी एक्स, तो ये डीवाई बाई डी एक्स बराबर जीरो बराबर जीरो। इसको पहले ओपन कर दो, ओपन करेंगे 2 साइन वाई कोस वाई को मैं साइन 2y लिख देता हूँ, 2 साइन वाई कोस वाई को 2 साइन वाई कोस वाई को साइन 2y लिख दिया, ये डीवाई बाई डी एक्स छोटा हो जाए इसलिए। माइनस कोष्ठक को खोला तो वाई गुणा साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई गुणे एक्स है तो एक्स को यहां लिख देता हूं डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। कॉमन ले लो रे, कॉमन ले लो, देखो अलग पेन से है, मतलब ये मेथड वाला शॉर्ट ट्रिक रेड पेन से, प्रश्न जो अपना अलग पेन से है और उत्तर अपना अलग पेन से है, मतलब मेथड से उत्तर अलग पेन से। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहां आया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर, ये उधर गया तो प्लस में चला जाएगा वाई साइन एक्स वाई। अब मुझे मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स का तुझे मान निकालना है तो देखो वाई साइन वाई एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई बटे ये भाग में चला जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अब फिर मिला लेते हैं दोस्तों, भाई किया हुआ उत्तर देखिए, वाई साइन वाई बटे साइन 2y एक्स, यही है क्या, बिल्कुल वाई साइन 2xy, ओ हो सेम टू सेम, तो यानी सही है। तो एक लास्ट प्रश्न कर लेते हैं अस्पष्ट फलन पर, भाई बहुत सारे प्रश्न किए तो एक लास्ट प्रश्न इसमें ध्यान दे लीजिएगा, लास्ट प्रश्न है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर एक, ये प्रश्न है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर एक, ये प्रश्न है। देखो इसको हल करना चाहते हैं तो पहले तो वही पुरानी आदत, शॉर्ट ट्रिक से इसको उड़ा दो, शॉर्ट ट्रिक से इसको उड़ा दो, तो बाई शॉर्ट ट्रिक, बाई शॉर्ट ट्रिक अब ब्रह्मास्त्र की सहायता से इसको ध्वस्त कर दो, इसकी खोपड़ी में छेद कर दो, खोपड़ी में छेद कर दो, किसकी, प्रश्न की खोपड़ी में छेद कर दो। सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई, शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले सभी प्रश्न के पदों को, टर्म्स को बाई तरफ लिख दो। अब देखो उत्तर बस आ चुका, डी वाई बाई डी एक्स का उत्तर देखो माइनस ऑफ, ऊपर क्या वाई को अचर मानकर एक्स का अवकलन करने, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है 2 साइन एक्स फिर साइन एक्स का कोस एक्स, ये कोस एक्स, कोस स्क्वायर वाई इज अचर, एक अचर दोनों का जीरो बटे बटे बटे,
ये अपोन कहते हैं, बटे कहते हैं। हर में लिखो x को अचर मानकर y का अवकलन कर दो, x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो x को अचर मानो, साइन स्क्वायर वन अचर, कोस स्क्वायर का करूं तो 2 कोस वाई, कोस वाई और 2 कोस वाई, और फिर क्या दोस्तों, कोस वाई का माइनस, कोस वाई का माइनस साइन वाई, कोस वाई का माइनस साइन वाई। तो एक काम करो, माइनस से ये देखो, ये देखो, ये प्लस कर दिया, समझे क्या? अब देखो ऊपर 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन 2x, साइन 2x, और नीचे 2 साइन वाई कोस वाई, देखो तो साइन 2y, साइन 2y। तो उत्तर आया साइन 2x बटे साइन 2y, साइन 2x बटे साइन 2y। अब तरीके से कर दे भाई, ये लास्ट प्रश्न कर रहा है स्पष्ट का, बात रख देना, यानी सीधा बराबर ही आना भाई साहब, है ना। अब देखो मतलब से, तो d by dx of इधर कर देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर d by dx of एक। अब देखो ये u प्लस v मेथड है, तो इसको अलग अलग सरल करूं क्या? देखो d by dx of साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या कर दू d by dx of u प्लस v को du by dx कर दिया, तो कोस स्क्वायर वाई बराबर इसका जीरो रे, एक है एक का अवकलन जीरो, ये एक है भाई साहब एक का अवकलन जीरो। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष दो साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का कोस एक्स, क्योंकि इसमें दो फलन है, एक तो एक्स की पावर एन वाला और एक त्रिकोणमितीय वाला, देखो। और ये कोस स्क्वायर वाई का, ये कोस का फलन है, तो पहले कोस के सापेक्ष अवकलन करो, टू कोस वाई फिर माइनस साइन वाई, कोस वाई का माइनस साइन वाई, क्यों? दो फलन है, और फिर दो क्या, तीन तीन फलन है यार, क्यों? क्योंकि अब वाई का एक्स के सापेक्ष ही तो करना है। सर अभी कर दिया ना दो फलन, ये तो वाई के सापेक्ष किया है, और पूछा एक्स के सापेक्ष, तो डीवाई बाई डी एक्स से लिख दो बराबर जीरो। अब इसको सरल कर लो थोड़ा, साइन दो, इसको साइन टू एक्स लिख सकते हैं, टू साइन एक्स कोस एक्स को, और ये माइनस का चिन्ह तो ये बाहर लगा दिया, और साइन टू साइन वाई कोस वाई को साइन टू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि तुम जानते हो टू साइन थीटा कोस थीटा, साइन दो थीटा होता है, साइन टू थीटा होता है, और ये डीवाई बाई डी एक्स। अब क्या दोस्तों, डीवाई बाई डी एक्स को इसी साइड रख लो, बाकी दुनिया को उधर भेज दो, यानी माइनस साइन टू वाई डीवाई बाई डी एक्स बराबर यहां पर माइनस साइन टू एक्स उधर भेजा, तो ये माइनस से माइनस खलास, ये माइनस से माइनस कट गया है। तो देखिए दोस्तों, है ना, डीवाई बाई डी एक्स का मान क्या, डीवाई बाई डी एक्स का मान आया साइन दो एक्स बटे साइन दो वाई। ऐसे नहीं कि तुम काटने लग जाओ साइन से साइन, दो से दो और एक्स बटे वाई उत्तर आ जाए, ऐसे कटता नहीं है। कंपोजिट फलन कटता है तो पूरे फलन को पूछ कर, जैसे भी कोई घर में काम करते हैं तो दादाजी या पापा को पूछ कर, ऐसे नहीं कि बेटे से बेटा अपना काम, ऐसे नहीं चलता। देखिए ये साइन टू एक्स बटे टू वाई, यहाँ पे देखो ये सेम टू सेम, अरे वाह सेम टू सेम आए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने स्पष्ट फलन के अवकलन पहले कर लिए थे, अब अस्पष्ट फलनों के अवकलन भी कर लिए हैं दोस्तों। फिर बता देता हूँ, अस्पष्ट फलनों के अवकलन करने के लिए मैं वापिस आपको वहां पर लेकर चलता हूँ जहां मैंने ट्रिक बताई है, दोस्तों आज किया हुआ काम दिखा रहा हूँ, देखिए कितना प्यारा काम किया है। देखो ये कर रहे हैं, प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले मेथड में तीन स्टेप आपको ध्यान रखनी है, मेथड में आपको तीन स्टेप ध्यान में रखनी है। पहली स्टेप कि भाई दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, दूसरी स्टेप डीवाई बाई डी एक्स को बाई तरफ, सारी दुनिया को दाई तरफ ले लो, और थर्ड स्टेप डीवाई बाई डी एक्स जो बाई तरफ पद है उनमें से डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लेकर और उसको नीचे भेजकर डीवाई बाई डी एक्स का मान निकाल लो, यही तीन स्टेप है। और शॉर्ट ट्रिक क्या, देखो इसीलिए लाया हूँ ये शॉर्ट ट्रिक दिखाने, ताकि चाहकर भी गलती ना करो, देखो ये शॉर्ट ट्रिक दिखाने ही तो लाया हूं दोस्तों। अब देखिए ये शॉर्ट ट्रिक दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको मैं बताऊं, ये शॉर्ट ट्रिक आपको दिख रही होगी, देखो डीवाई बाई डी एक्स, ये देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, वाई को अचर मानकर एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, और नीचे है एक्स को अचर मानकर वाई के सापेक्ष अवकलन करना। इस प्रकार से
अपन ने अस्पष्ट फलनों के अवकलन को खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, अस्पष्ट फलनों के अवकलन का दी एंड कर दिया है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का पढ़ेंगे। तो अपन ने मजे से बैंड बाजे से और ढोल धमाके के साथ विदाई देते हैं अस्पष्ट फलनों को और इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आगे की अपन चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये अपना ढोल धमाके के साथ अस्पष्ट फलनों का अवकलन खत्म होता है। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासेस चल रही है, 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।